नमस्कार, मैं अजय बजाज एडवाइजर कोस्टा आज आपको हैप्पी दिवाली के लिए संबोधित कर रहा हूँ। मेरे साथ हैं प्रवीण जी, प्रधान रेजिडेंट कोस्टा। आप सब व्यापारियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और दिवाली का त्यौहार खुशियां लेकर आए। और हमारी संस्था अजय जी और हमारे जो अदर साथी हैं, हम पिछले 15-20 साल से सदर बाजार के समस्याओं के लिए विभिन्न विभिन्न जगह पर गए हैं और अपनी समस्याएं रखी भी हैं। कुछ का निवारण हुआ लेकिन कई समस्याएं ऐसी हैं जो निवारण नहीं हो सका और जिसकी वजह से आज सदर बाजार की कई समस्याएं खड़ी है। देखिए, समस्या तो कभी अंत नहीं होंगी, जब तक प्राण है तब तक समस्या भी है, लेकिन कुछ समाधान, मैं नहीं कहता कि हम अपने हाथ से कर लेंगे, लेकिन वी वॉन्ट टू बी द मीडियम टू डू द वर्क फॉर यू। अब इसको हम चार श्रेणी में डालते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की एक बात, व्यापारी अपनी जिम्मेवारी खुद समझे, ये जो पटरी वगैरह है हम क्यों अपने दुकान के आगे किसी को लगने देते हैं, ये बात एक सोचने की है। बाहर की पटरी आती है वो बात अलग है, जो हम खुद करते हैं उसको तो सोचिए। अब आगे चले, ये जो चोरी चकारी, अगर हम एका करके आपकी आवाज़ बुलंद करते हैं और ये इस चीज़ को उठाते हैं, तो कोई शक्ति नहीं जो कि आपको इस सदर बाजार में इन चीज़ों का सबका निवारण ना करा दे। लेकिन इसके लिए हमें एका चाहिए, वी वॉन्ट स्ट्रेंथ। MCD की बात है, DC हमें बुलाते हैं, ये यूरिनल्स की बात है, ये रेस्ट रूम की बात है, ये पटरियों में, ये पार्किंग में, ये हर चीज़ टाइम मांगती है। एक एक करके हम सब करेंगे। हम 40-40 साल से हम लोग लगे हुए हैं सोशल वर्क करने में, 15-20 साल से तो कोस्टा में लगे हुए हैं। अब टाइम आ गया है कि आप सब लोग दिवाली के बाद हमें संपर्क करें और लेट्स मेक ए टीम एंड लेट्स डू इट टुगेदर अगेन। अजय जी ने जैसा कहा, मैं इनकी बातों से सहमत भी हूँ और नहीं भी सहमत हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे अधिकार से बाहर हैं। जो समस्याएं अधिकारी जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जिनके पास पावर है, ताकत है, जब तक वो इस चीज़ के लिए अपने आप को आगे नहीं लाते, तब तक हम लोग भी अपंग हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम अपनी बात तो रख सकते हैं लेकिन हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है या ऐसी कोई ताकत नहीं है जिसका निवारण हम कर सकें। इसलिए मैं फ्रेंकली ये बात कहता हूँ कि जब तक अकाउंटेबिलिटी चेयर्स पे बैठे हुए लोगों की नहीं होगी, आप पीछे अभी देखिए कि 9-12 टाइम्स ने कितना सदर बाजार के बारे में लिखा है, लेकिन आपको उसका रिएक्शन हमें कहीं नज़र नहीं आया। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी अगर डिपार्टमेंट्स या कुर्सियों पर बैठे या अपना चेयरपर्सन्स अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते, तो हमारा जो मेहनत है वो सब बेकार जाती है। आज 20 साल से 15 साल से हम इस चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हम कितना समाधान करा सके हैं, कई दफ़ा हमारे को अपने ऊपर भी अफसोस होता है। उसकी 2-3 वजह हैं, जैसे बजाज साहब ने कहा, एक वजह हमारी अपनी यूनिटी नहीं है। व्यापारी जब तक यूनाइटेड नहीं होगा, व्यापारी को जुड़ना पड़ेगा। अगर किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें अपनी आवाज़ को एक बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग इन चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो सरकार को हमें मैसेज देना है, या जो कुर्सियों पे लोग बैठे हैं, वो कृपया ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी को समझें, और अगर जनता के बीच में कोई रोष है या जनता चाहती है तो उसको अपने ईमानदारी के साथ करके दिखाएं। ये मेरा आप लोगों को मजे संदेश है। बॉटम लाइन यही है कि यूनाइटेड वी स्टैंड। आप लोग इकट्ठे होइए, हमारी स्ट्रेंथ बनिए। अब देखिए, हम आपके लिए समाधान जरूर निकालेंगे, भगवान बरकत डालेगा। हैप्पी दिवाली टू यू वंस अगेन। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी व्यापारी भाइयों को, और सभी के घरों में सुख शांति आए और हर आदमी अपनी जिंदगी में तरक्की करे, यही हमारी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, धन्यवाद।